पूरा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत टेस्टी है। उसे हम 4-5 दिन तक रखेंगे, उसके बाद भी उसको खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो सूजी का पिठा गांव वाला खान पान आप देख रही हैं, अब रुबीना कर रहा है। तो आए हैं हमारे घर को, यास्मीन लवलीन का जो नानी है वो आए हैं आज हमारे घर को, और रुबीना को सिखा रही है कैसे गांव का खान पान। ये देख रहे हैं, ये सूजी और नारियल का जो गांव वाला पिठा होता है, गांव में ज़्यादातर ये वाला रेसिपी बहुत लोगों को पसंद है। ये वाला रेसिपी आज फर्स्ट टाइम हमारा घर में हो रहा है। इससे पहले अलग 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 का रेसिपी हो रहा था, लेकिन ये आज नारियल और सूजी का, जो गांव में बोलते हैं सूजी नारियल का काकरा पीठा, वही पीठा हम आज घर में कर रहे हैं। और लवलीन तो बहुत खुशी है, 5-10 पिठा खा लिया है अभी, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत टेस्टी है। उसे हम 4-5 दिन तक रखेंगे, उसके बाद भी उसको खा सकते हैं। ये लवलीन और यास्मिनी स्कूल भी लेके जाएंगे टिफिन में। लवलीन यास्मिन का नानी जी आज आए थे घर को, और पूरा रुबीना को आज सिखा दिए कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये गांव का खान पान आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम मज़ेदार वीडियो आपको देते आएंगे। तो वीडियो बंद होने के बाद लवलीन लग जाएगा उसे खाने के लिए, सब लग जाएगा, सब खा लेगा, छुपा छुपा कर सब खा लेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
हमारा अगले नया वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगी।